अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में, भले ही प्रदेश सरकार ने किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए लोगों की संख्या को 200 से घटाकर 100 कर दिया है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है, लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को सरकार के नियमों और लोगों की जिंदगी का जरा भी परवाह नहीं है। यही कारण है कि बाजपुर के ग्राम चकरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे एक का शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे, जहां लगभग 300 लोग कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दिए। वही सड़क का शिलान्यास करने के दौरान शिक्षा मंत्री ने खुद भी मास्क नहीं पहना और भीड़ में शिलान्यास कर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन होता दिखा। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठा पाए। जब हमने सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से बात की, तब ये कोरोना नियमों के पालन करने की दुहाई देते हुए मास्क का प्रयोग करने की अपील करने लगे और जमा भीड़ को कोरोना नियमों के अनुकूल बताया, जबकि आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। और तो और, शिलान्यास करते वक्त मंत्री जी का मास्क ही गायब हो गया। देखिए ये कितना जिम्मेदार है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की यह रिपोर्ट। बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, लेकिन आप जो कार्यकर्ताओं ने आज कार्यक्रम किया, हमने इसको मना किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि नियम का पालन करेंगे। 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, और मुझे मैंने देख लिया है कि 100 से ज़्यादा लोग है भी नहीं। बिल्कुल मानक का, निर्देशों का कार्यकर्ताओं ने पालन किया।